भाषण बोलिए कितना पवित्र है, माँ बोलेंगे कितना आनंद आता, और जिस रिश्ते में दो बार मामा जुड़ाता, मामा क्या जुड़ाता, कितनी बार वो मामा अपना शत्रु बन के बैठ गया बंद, वो तो विचार करने की बात है, लेकिन कृष्ण को कभी रोते हुए नहीं देखोगे, कृष्ण को सदा नाचते और गाते हुए देखोगे, और सुनोगे जिनकी एक एक शादी हुई होती है, उनके मुंह लटके रहते हैं धर्मों के, और इसकी तो 16108 हुई थी, कितनी हालत क्या होती होगी, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण को कभी रोते हुए कोरोना कैसे मिलेगा, कृष्ण आपको सदा ध्यान के हुए गाते हुए प्रसन्न, भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करनी है तो पहले प्रसन्नता से, मेरी भक्ति करनी है तो पहले। अब शंकर जी को देखो, शंकर जी का मामला तो और भी गड़बड़ है, कि कृष्ण जी जैसे भी ज्यादा गड़बड़ ही है, इनके परिवार में आपस में किसी की भक्ति नहीं, इनके परिवार में आपस में किसी की, देखो पार्वती जी का वाहन शेर और शंकर जी का बैल, शंकर जी का वाहन क्या बैल और शेर की कभी बनती है, और गणेश जी का वाहन क्या है, अरे बोलो ना, और कार्तिक जी का वाहन, और शंकर जी के गले में और सांप जो है वो चूहे का भोजन करता है, सांप किसका भोजन करता है, और मोर जो है वो सांप का भोजन करता है, यहाँ भी आपस में बनने वाली सब गड़बड़ माता है, लेकिन शंकर जी क्या भी कभी आपको लड़ाई नगर में आएगी, शंकर जी की सलाह कैसे मिलेंगे बोलो, प्रसन्न रहेंगे मुस्कुराते मिलेंगे, यही प्रेरणा आपको देते हैं कि सदा प्रसन्न रहना सीखो, क्या प्रेरणा देते बोलो, सदा, लेकिन तुमने आदत बना ली है रोने की, आदत किसकी बना ली, वहां कईयों को आदत पड़ी होती है दुखी रहने की, कईयों को आदत पड़ी रहती है, एक जगह पड़ती है गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर माउंट आबू, आप गए भी हो शायद, हम लोग पहले बार चौपासा किया करते सुनने देते, चार महीने एक की जगह रहते थे, कभी यात्रा नहीं करते, चौपासा मारते रोज रहे घर में भोजन करने जाते, और मेरे साथ करीब 40 महात्मा रहते थे, कितने महात्मा, 40, आज तो इसलिए हमने बंद कर दिए कि नाना लोग हमसे ही दुखी हो जाते हैं, 40 रखे तो बेचारे परेशान हो जाएंगे, महाराज साहब बिल्कुल सही करी सब लाचारियां की तो सब नहीं दुखी हो जाते, पहले हम मंडली चलाते थे तो 40 महात्मा, एक महात्मा का नाम था रामानंद पुरी, सुनने जैसी बात, नाम क्या था, बड़े मस्त महात्मा, मुस्कुराते रहते, मैं रोज सत्संग करता था भीड़ होती थी, एक दिन मैंने क्या देखा, रामानंद पुरी जी का चेहरा उतरा पड़ा, बुढ़ा पड़ा उदास बैठे, कथा के बाद कीर्तन के बाद मैंने पूछा, अरे रामानंद क्या हुआ, बोले गुरु जी मेरा कपंडल गुम हो गया, क्या बोले, मेरा, मैं कह यार तुम्हें गजब का बाबा, एक कमंडल के लिए होता इसमें कौन सी बड़ी बात, आप बढ़िया कमंडल मंगा लेंगे, मैंने पहले फोन किया लाला जी को, हमारे शिष्य हैं उनको कहा मैंने बाबा को एक बढ़िया कमंडल लाते दे भाई, लाला ने बढ़िया कमंडल लाकर के महात्मा जी को